तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है। अब देखो यहाँ से चार पांच क्वेश्चन जो शुरुआत का है वो सभी आपके टेनिस से हैं, ग्रैंड स्लैम से हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यहाँ से बाहर शायद ही इस फील्ड से अगर क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन आएगा। चलो बताओ, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ग्रैंड स्लैम पहली बार जिसके द्वारा जीता गया उनका नाम था महेश भूपति। क्या नाम था? महेश भूपति। नाम तो आप सभी जान रहे हो, ठीक है। तो महेश भूपति ने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीता। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भारत के द्वारा पहली बार कब जीत हासिल की गई। अभी आपने देखा महेश भूपति ने जीता, अब आपको यह बताना है महेश भूपति ने कब जीत हासिल की थी पहली बार। तो ये क्या गया था 1997 में। कब क्या गया था? 1997 में। अब अगला क्वेश्चन, 1997 में महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम के किस प्रारूप में जीत हासिल की। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सबको मैंने इसलिए अलग अलग डाला है ताकि हर एक क्वेश्चन को आप सीरियसली लो। तो पहला आपने देखा ग्रैंड स्लैम कब जीत हासिल की भारत ने, 1997 में, सॉरी किसने हासिल की, महेश भूपति ने। कब की? 1997 में। अब आपको बताना है किस प्रारूप में। आप जानते हो ग्रैंड स्लैम के चार प्रारूप होते हैं, उसमें से किसमें जीत हासिल की गई थी 1997 में। तो ये आपका फ्रेंच ओपन। किसमें? फ्रेंच ओपन में। अब आपको लग रहा होगा यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, तो यहाँ बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, और भी चीजें इसमें बची हुई है। क्या है? 1997 में महेश भूपति ने किसके साथ मिलकर पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। यहां से एक चीज तो आपका क्लियर हो गया, 1997 में महेश भूपति ने जो जीत हासिल की थी वो सिंगल्स में नहीं किया था, डबल्स में किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। तो डबल्स में महेश भूपति के साथ कौन थे, जल्दी बताओ कौन थे? ये थे रीका हराकी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रीका हराकी, हिराकी, ठीक है, रीका हिराकी। तो रीका हिराकी के साथ मिलकर इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 1997 में। अब जाके आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक टेस्ट मैच के पारी में पूरे के पूरे 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जिम लेकर। क्या नाम है? जिम लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे और भारत के प्रथम गेंदबाज कौन है। आपने देखा वर्ल्ड के प्रथम गेंदबाज जो हैं वह हैं जिम लेकर, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन है, और जो दूसरे स्थान पे है वह एक भारतीय भी हैं, वह हैं कुंबले, ठीक है, अनिल कुंबले। इन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे पहले और वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे 10 विकेट लिया है एक ही टेस्ट पारी में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, ईयर बताना है आपको। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कहां हुआ था। हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। कहां हुआ था? काबुल में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। ये सारे आसान क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए। हुमायूं गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर थे, बाबर था, और बाबर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक था, और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कब हुमायूं को गद्दी से उतार दिया। 1530 में बैठा और 1540 में हुमायूं को गद्दी से उतार दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था। हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? ये था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिर उद्दीन, ठीक है, नासिर उद्दीन नाम था हुमायूं के बचपन का। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई क्या है। पहले भी आपने पढ़ रखा है, फिर से एक बार और बताओ, त्वरण की इकाई क्या है, यानी एक्सेलरेशन का, यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया। गोवा जो पुर्तगालियों के अंडर में था कब मुक्त मुक्त कराया गया।
1961 में, 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1690 में। अब कहीं पे आपको थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी मिल सकता है, कहीं 1690 मिल सकता है, कहीं 56 मिल सकता है, या 56 या 90 के बीच में कुछ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जगह आपको 1690 ही मिलेगा। क्लियर है? सॉरी 56 मैंने बोला क्या, 86, ठीक है। 1686 भी मिल सकता है क्योंकि शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1690 में जाके इसकी स्थापना हुई। अब आपको बताना है कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी, यानी इसके आर्किटेक्ट के रूप में किसको हम लोग जानते हैं, किसको जानते हैं? चार नौक को। किनको जानते हैं? चार नौक को, ठीक है। जॉब चार नौक इनका नाम था जिसने कोलकाता शहर बसाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नगर कितने प्रमुख व्यापारिक के केंद्रों को मिलाकर बनाया गया था? यहाँ पे व्यापारिक केंद्रों केंद्रों के बदले में गांव भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। कितने गांवों को मिलाकर बनाया गया था? जो गांव था वो सभी गांव इंपॉर्टेंट गांव थे, और वो सब गांव जो है वो व्यापारिक के केंद्र के तरह काम कर रहा था उस वक्त। तो आपको बताना है कितने ऐसे व्यापारिक केंद्र या गांव थे। टोटल तीन गांव था, ठीक है। वो तीन गांव कौन कौन था? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका वो है, कलकत्ता का निर्माण सूता नदी, कालीकट और किस व्यापारी के केंद्र को मिलाकर बनाया गया था? तो तीन गांव अभी मैंने बताया, तो एक का नाम था सूता नदी, दूसरा का नाम था कालीकट, और तीसरा का नाम क्या था? जल्दी बताओ क्या नाम था। तो ये था गोविंदपुर। क्या नाम था? गोविंदपुर, ठीक है। गोविंदपुर नाम था तीसरा जो गांव था। तो तीनों आपको याद रखना है, सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है? भाग आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है? अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, भाग पूछा जा रहा है। तो भाग है 9। किस भाग में? 9th जो चैप्टर है उसमें इसकी चर्चा की गई, 9th पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची में आता है? आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची में आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। किसमें? समवर्ती सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है? किस भाग में है? यह है भाग 4 में। अब आप सभी को पता है भाग 4 में है क्या? भाग 4 में नीति निषेध तत्व, और ये सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन ये भी नीति निषेध तत्व का ही हिस्सा है, और किस आर्टिकल में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपका वही है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन निहित है? किस अनुच्छेद में? तो यह आपका आर्टिकल 38 में। लेकिन आर्टिकल 38 के अलावे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें इस सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, वह है आपका आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, 41, 42, 43, ठीक है, 47, इन सब में इस तरह की चीजों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से 38 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये यूएसए के यानी अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना किसने की थी? चलिए बताओ किसके द्वारा किया गया था आनंद वन की स्थापना? तो ये है बाबा आमटे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बाबा आमटे। बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना कब की गई थी? बाबा आमटे ने तो किया था, लेकिन कब? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा कब की गई थी? 1952 में। कब की गई थी? 1952 में, ठीक है। कहाँ की गई थी? अब अगला क्वेश्चन आपका ये है, आनंद वन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये क्या गया था? महाराष्ट्र में। कहाँ क्या गया था? महाराष्ट्र में आनंद वन की स्थापना हुई थी,
और अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए, जगह आपसे पूछा जाए, तो यह जगह चंद्रापुर, चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किनके लिए की गई थी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनंद वन जो स्थापित किया गया था किनके लिए? तो ये है कुष्ठ यानी लेप्रसी वाले जो भी बीमार थे, ठीक है, उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए? तो कुष्ठ रोगियों के लिए, ठीक है, कुष्ठ को ही हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं, ठीक है, तो लेप्रोसी पेशेंट के लिए, किसके लिए? लेप्रोसी पेशेंट के लिए यानी कुष्ठ रोगियों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार आपने पढ़ा है, इसकी स्थापना राज राज प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राज राज प्रथम, ठीक है, किसके द्वारा? राज राज प्रथम या राज राजा प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? आपने देखा राज राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन यह पूर्ण कब हुआ था? ये 1010 में पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कावेरी नदी के तट पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है राज राजेश्वर या राज राजेश्वरम टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम से इसको जाना जाता है, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं एक और नाम है इसका, कभी याद आया तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ, कोई ना कोई तो म्यूजिशियन ही होगा, कौन है वो? वो है रविशंकर। क्या नाम है उनका? रविशंकर, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे? अष्ट दिग्गज जो आठ महान कवियों का एक ग्रुप था, किसके दरबार में हुआ हुए करते थे ये लोग? तो ये हुआ करते थे कृष्णदेव राय। किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई? अब देखो राष्ट्रीय ध्वज से आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, इसको अच्छे से याद रखना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुकी जनजाति, अच्छा बीच में एक अलग क्वेश्चन घुस गया, चलो कोई बात नहीं आंसर करते जाओ। भारत में कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? भारत में कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो भारत में अगर हम लोग कुकी जनजाति का बात करेंगे तो मेनली ये लोग मणिपुर में निवास करते हैं, पर जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी हैं, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर हर जगह आपको कुकी जनजाति के लोग मिलेंगे। और कुकी जनजाति का बहुत सारा रूप भी है, ठीक है, अलग अलग नाम से भी ये जाने जाते हैं, और मेन कॉन्सेंट्रेशन इनका है मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था जल्दी बताओ, सभी जान रहे होंगे, यह पिंगली, ठीक है, पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अब है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, उनको याद है 2:3 और वो लोग आंसर करके निकल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2:3 चौड़ाई लंबाई का अनुपात है, और आपसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा गया, इसलिए आंसर होगा 3:2। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे गलती करते हो तो आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आप जानबूझ के एक नंबर खो के आ जाते हो, ठीक है, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनाई जाती है? सारे क्वेश्चंस राष्ट्रीय ध्वज से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यह है खादी कपड़ा, ठीक है, खादी कपड़े से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज बनाने का एकाधिकार किस कंपनी के पास है? जल्दी बताओ, किसी एक कंपनी के पास राष्ट्रीय ध्वज बनाने का एकाधिकार है, वह कौन सी कंपनी है? तो देखो,
जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो भी आपके खादी ग्राम उद्योग हैं, ठीक है, खादी वाले उद्योग हैं, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन 2009 से ये किसी एक कंपनी के पास है, वो भले ही खादी कंपनी है, उसका नाम है क्या, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। क्या नाम है उसका? कर्नाटक, अब लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो इसको कॉपी में कर लेना, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, ठीक है, KKGSS, ठीक है, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, इसके द्वारा बनाया जाता है और 2009 से इसके पास ये सोल राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक समय में राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ सरकारी भवनों पर फहराया जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ उससे लेकर बहुत सालों तक सिर्फ सरकारी भवनों पर फहराया जाने का परमिशन था, लेकिन किस वर्ष से कुछ शर्तों के साथ सबको राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वीकृति मिल गई है? और अब जैसे आप देख रहे हो हर जगह जो भी प्राइवेट कोई फर्म है, कोई फहराना चाहता है, कहीं पे भी कोई फहरा कर रहा है तो हर जगह परमिशन है। कब से ऐसा हुआ है? ऐसा 2002 से हुआ है, और इससे पहले सिर्फ जो भी नेशनल ओकेजन है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन्हीं दिनों पर झंडा फहराया जाता था। लेकिन 2002 के बाद आपको जब इच्छा हो आप झंडा फहरा सकते हो। अगर आपके सामने देशभक्ति का कभी भी कोई भी मुद्दा आता है तो आप इसको फहरा सकते हो, आपको परमिशन है। अब अगला क्वेश्चन, कुछ शर्तों के साथ कपड़ों, यूनिफॉर्म आदि पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो इस वर्ष से पहले तक कपड़ों पर इसका प्रयोग नहीं, वर्जित था, ठीक है, कपड़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हो, और अभी भी सारे कपड़ों पर नहीं कर सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपको यूज करना है। जैसे अमेरिका सब में जाओगे तो अमेरिका सब में चंडी, बनियान सब चीज आपको दिखेगा वहां के झंडे का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अंडरगार्मेंट्स को तो बेसिकली बैन ही किया गया है कि इस पर आप झंडे का अगर थोड़ा भी अंश है तो फिर आपको सजा हो सकती है। तो कपड़ों पर जैसे पॉकेट के पास कोई लगाता है, कोई टोपी में लगाता है, तो इन सारी चीजों पे परमिशन दिया गया है 2005 से, ठीक है, 2005 से आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर शहर के वास्तुकार कौन है? भुवनेश्वर शहर के वास्तुकार कौन है? भुवनेश्वर शहर के वास्तुकार कौन है? कौन है? यह है कोनीस बर्गर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोनीस बर्गर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? यह है एकांको गुआ। कौन सा है? एकांका गुआ, ठीक है, एकांका गुआ, ये जो है यह एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, NH3 जो है वो मुंबई को किस शहर से जोड़ती है? NH3 मुंबई को किस शहर से जोड़ती है? तो NH3 मुंबई को आगरा से जोड़ती है। कहां से? आगरा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, VS नायपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? VS नायपॉल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको बताना है किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 25 सितंबर 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन हमारे संविधान के अनुसार किस सूची के अंतर्गत आता है? वन जो जंगल है किस सूची के अंतर्गत आता है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाए और स्वायत्तता दी जाए? ब्रिटिश काल का ये बात है, ब्रिटिश काल में एक रिपोर्ट आया जिसमें यह कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पकड़ के रखो। तो किसमें कहा गया था? ये साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था। किसमें? साइमन, ठीक है, साइमन, सॉरी साई होगा,
साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था। अच्छा, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए, साइमन कमीशन, ठीक है। अब इसका रिपोर्ट कब आया था, इसका रिपोर्ट आया था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्लियर है। अगला है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्लियर है। तो ओके गाइस, यहाँ आज का टेस्ट आपका खत्म होता है, ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।